नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े सहयोगी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी संगठन किया घोषित। सभी संगठनों पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से लागू हुआ फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे का वर्चुअल तरीके से करेंगे उद्घाटन। सरयू नदी के तट पर 7.9 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है चौराहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल की बढ़ती कीमतों पर जताई चिंता। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका के मजबूत सहयोग की सराहना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर रखा अपना पक्ष। कहा, यूक्रेन संघर्ष के लिए भारत का दृष्टिकोण बना रहेगा मानव केंद्रित। भारत ने शत्रुता को समाप्त करने और बातचीत के साथ कूटनीति के जरिए समस्या को सुलझाने की दोहराई बात। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर से अत्यंत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मिसाइल कम दूरी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली वस्तुओं को मार गिराने में होगी सक्षम। खेल की खबरों में, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में आज। T20 विश्व कप से पहले भारत के लिए ये अहम सीरीज। आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्र सरकार ने PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने कहा, PFI कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा, ये देश के संविधान प्राधिकार का अनादर करता है। केंद्र सरकार ने कहा कि कई मामलों में यह स्पष्ट हुआ कि PFI और इसके काडर बार बार हिंसक और विध्वंसक कार्यों में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही PFI के कई संस्थापक सदस्य सिमी के नेता रहे हैं और PFI का संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है। ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन है। PFI के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंकाओं के चलते पिछले कई दिनों से सरकारी एजेंसियों ने संस्था पर नकेल कसी हुई है। ED और NIA ने देश भर में संस्था के तमाम ठिकानों पर छापे मारे, जिसको लेकर बड़े स्तर पर विरोध भी देखने को मिला। मंगलवार को भी सरकार की PFI के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। कल 7 राज्यों में स्थानीय पुलिस और आतंकरोधी दस्ते ने PFI से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा और इससे जुड़े 170 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले गुरुवार को NIA के नेतृत्व में 15 राज्यों में 93 स्थानों पर छापेमारी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में स्वरों की मल्लिका लता मंगेशकर की स्मृति में एक चौक का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सरयू नदी के तट पर स्थित नया घाट क्षेत्र करीबन 7.9 करोड़ रुपए की अनुमानित बजट से लता मंगेशकर चौक को विकसित किया गया है। संबंधित जगह का मुख्य आकर्षण यही है कि वहां भारतीय संगीत वाद्य यंत्र वीणा स्थापित की गई है, जिसका वजन 14 टन, लंबाई 40 फुट और ऊंचाई 12 मीटर है। स्मारक पर्यटकों और संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होगा, क्योंकि ये देश का पहला स्थान होगा जहां अमर सुरीली आवाजों को मंदिर के शहर से जोड़ने के लिए इतना विशाल संगीत वाद्य मंत्र स्थापित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। लता मंगेशकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अयोध्या के प्रमुख स्थान नया घाट को उनके नाम पर विकसित करने की योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान का अपना दौरा समाप्त कर देर रात नई दिल्ली पहुंचे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जापान के दौरे पर गए। उन्होंने भारत की ओर से शिंजो आबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने आकासाका पैलेस में शिंजो आबे की पत्नी श्रीमती आकिया आबे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री शिंजो आबे के साथ अपनी सुखद स्मृतियों की चर्चा की। इसके अलावा अपने दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ भी प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय बैठक की। बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए नजर आए। एस जयशंकर ने कहा कि विकासशील देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए चिंतित हैं। ऊर्जा की कीमतें हद से ज्यादा बढ़ी हुई हैं, इनकी कीमतों में नरमी आनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि अधिक भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने में भारत अमेरिका का हित है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका से भारत को मिले मजबूत सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें कट्टरपंथ, उग्रवाद और कट्टरवाद का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीजा संबंधी चुनौतियों का मुद्दा भी उठाया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर को आश्वस्त किया कि अमेरिकी वीजा संबंधी चिंताओं को दूर करना उनका लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र की भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के लिए भारत का दृष्टिकोण मानव केंद्रित बना रहेगा। साथ में ये भी कहा कि हमारी ओर से हम यूक्रेन को मानवीय सहायता और आर्थिक संकट के तहत वैश्विक दक्षिण में अपने कुछ पड़ोसियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने बार बार शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और बातचीत को कूटनीति के माध्यम से और इससे संघर्ष से हल करने की आवश्यकता पर आह्वान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जिक्र करते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा, ताशकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भी स्पष्ट रूप से यही बात कही थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कल कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के दो सफल परीक्षण किए। परीक्षण उड़ान ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज पर संचालित की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये कम दूरी की सुगम्य वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे भारतीय उद्योग भागीदारों से सहयोग की अगर बात की जाए तो डीआरडीओ ने उसी के सहयोग से इसे डिजाइन किया, विकसित किया। मिसाइल को कम दूरी और कम ऊंचाई पर हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग साझेदारों के जो प्रयास रहे उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस नई मिसाइल सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करेगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी खामताल ने भी इस सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और अब वक्त हो चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉरपोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि सरपंच जी इंद्रेश को सलाह दे रहे हैं कि वो विधायक जी की चिंता छोड़कर कीर्ति और उसकी माँ को ठिकाने लगा दे। एमएलए साहब और गिन्नू की तो बिल्कुल चिंता ना कर, बस तू माँ बेटी ने संभाल ले। माँ बेटी के रोककर ठिकाने लगा दूंगा मैं, मार ले जितने ताने मारने हैं, रहूंगा तो तेरा चाचा ही ना। आप मेरे कुछ नहीं। अरे इनका तो हूँ। प्रणाम भाभी जी।
क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? एक बार कह दिया ना कि हमें उस घर में नहीं आना। ठीक है सर्वेश, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पूजा के पिता अपनी भाभी से घर चलने की विनती क्यों कर रहे हैं, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि बालकृष्ण के दर्शन के उद्देश्य से नंद बाबा के घर एक साधु ने प्रवेश किया है। इधर कंस ले रहा है कृष्णा को मारने के लिए तत्वासुर का सहारा। तेरा अंत आ गया कृष्णा। यशोदा रानी, द्वार पर एक ब्राह्मण साधु आए हैं और वो लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी मुक्ति का समय, हमारी मुक्ति का समय, हमारी मुक्ति का समय आ गया है, आ गया है। तो क्या कंस अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और डीडी प्रीमियर्स के बाद बात कर लेते हैं क्रिकेट को लेकर। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए तैयारियों के लिहाज से अंतिम सीरीज है। अफ्रीकी टीम के खिलाफ भारत अपने घरेलू मैदान पर आज तक कोई सीरीज नहीं जीत पाई है। दीपक हुड्डा चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए, वहीं हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया। हुड्डा की जगह शहबाज अहमद और पांड्या की जगह श्रेयस अय्यर टीम में है और उन्हें शामिल किया गया है। और शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के तीसरी शक्ति स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। श्रद्धालु मंदिरों में मां से स्वास्थ्य समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करने पहुंच गए। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग दूर दूर से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के हर क्षेत्र में शारदीय नवरात्र की छटा ही निराली होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल की आभा अनोखी होती है, तो गुजरात में दांडिया महोत्सव अपनी ही छटा बिखेरता है। तो फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।